गाइस December 6th संडे, तो एक और शादी है, घर की शादी है, कज़िन ऋषिकेश कामले प्राजक्ता का भाई। आई डोंट नो इफ आई हैव एवर इंट्रोड्यूस्ड यू, तो वैसे किसी ब्लॉग में फीचर भी नहीं हुए किसी ब्लॉग के अंदर। एंड आज तो हल्दी है तो हल्दी के लिए आया हूँ, शादी कल है। आई डोंट नो, शादी के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज ऑफ कोविड, सो देर आर लिमिटेड गेस्ट्स एंड माई मॉम इज़ गोना विजिट, तो हल्दी पे आया हूँ। ये पीछे गेट है, लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। तो ये कैरी कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ द गिफ्ट फॉर ऋषि। अभी इसको उठा के लॉक कर रहा हूँ, आई होप ठीक से ले पाऊँ। तीनों में से कुछ गिरना नहीं चाहिए, गिफ्ट, कैमरा और मैं। सो दैट्स माय मॉम इन ग्रीन साड़ी, दैट्स प्रियंका, और आगे चल रही है मेरी मौसी। तो जो मेरी मौसी है शी कुक्स रियली वेल, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनाती हो, एंड शी हैज़ इन्वेंटेड दीज इंस्टेंट ग्रेवीज, मतलब बोलते हैं ना पाउडर्ड फॉर्म में वो ग्रेवी बनाती है, चिकन मसाला, नॉट चिकन मसाला, लाइक बटर चिकन, पनीर टिक्का, पनीर मसाला एंड ऑल दोस। तो वो बस उसका जो पाउडर मिक्स रहता है वो आप घर पे लेके आओ, एंड यू पुट पनीर, अगर पनीर मसाला है तो पानी वानी डालो, एंड यू जस्ट कुक इट तड़का देके, और कुछ नहीं करना पड़ता है, इतना अच्छा रहता है। सो ये वाली मौसी है, वो बाद में आपको बताऊंगा मैं ग्रेवीज कैसे रहते हैं क्या रहते हैं। तो लिफ्ट में कैसे, तो हम लोग चार लोग फिट हो गए। पुणे वाले आले रहे, सो दिस इज राजा मामा, दिस गाय इज 50 इयर्स ओल्ड है, 50 साल का है लेकिन मालूम नहीं पड़ता। ओए चियू आए, और इधर पे पूरा पब्लिक आ गया है भाई शादी के लिए। ओ एंड दिस इज द करावली प्राजक्ता, ओ है भाई नवरदेव, इधर पूरा रंग गया है इधर पे। ये अभी ले लिया इसने डायरेक्ट, खाली तेज दुकान शोधत होती का। हाय कम 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 राजू, हां मामा आली एक मिनट। अरे तू काय जाम बारीक झालास, तो हल्दी का जो सेरेमनी है उसके अंदर एक ये रिचुअल है, रिचुअल एज इन मतलब इट्स फन, के जो भी कोई, अभी वो बोलने से पहले मैं जब इसको देख रहा हूँ इसका शक्ल ऐसा दिख रहा है कि भाई वाकई में लग रहा है बकरा कल कटने वाला है उसका उतरा हुआ है पूरा। सो हाउ इट वर्क्स इज के नाउ जो भी हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगाने के बाद वो थाली में शगुन देना होता है, और पीछे जो खड़े ये इनको भी शगुन देना होता है। तो बचपन में मैं भी खड़ा रहता था और बहुत बहुत कमाई होती थी, सो देन वो टाइम पे वी यूज टू गेट लाइक 50 पैसे, 1 रुपये, अगर किसी ने 2 रुपये का सिक्का डाला तो फिर तो ऐसा लगता था अरे बहुत बड़ा आदमी है, मतलब मजा आ गया ऐसा लगता था। अभी इनको देखो लालच आ रही है, चीयू को लालच आ रही है, वो सोच रही है अभी कितना पैसा मिलेगा। पैसा चिल्लर नाही, पैसा आता ती शुगर रश व्हायला
और बाकी आइटम खाने में जो है वो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आपको दिखाने के लिए, बट दिस माय फ्रेंड्स ये जो आइटम है बहुत ज़बरदस्त आइटम है। ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, जवड़ा वांगी। अभी जवड़ा इज़ लाइक बेबी प्रॉन्स, एकदम छोटे 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 प्रॉन्स। इट लुक्स लाइक कीमा एंड इट टेस्ट्स ऑसम। इट इज़ लाइक फूड फॉर गॉड्स। या आपको अगर आपने लाइफ में कभी खाया नहीं है तो आप ज़रूर खाइए, एंड आगरी लोगों का ही खाइए। आगरी हल्दी जो होती है उसका स्पेशलिटी अभी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है, इसको भोकाचे वड़े ऐसा भी बोला जाता है। एंड द बैटर, ये जो आप बैटर देख रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली मिक्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से बन रहे हैं, ये बहुत सारे बनाए जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। सो द आइडिया बिहाइंड मेकिंग दीज वड़ाज इज़ लाइक के पहले तो ये खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट रहते हैं, दूसरा एक परंपरा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि घर की जो लेडीज़ है वो एक साथ आके ऐसे जब काम करती है तो उनका भी वो बोलते हैं ना कि उनको भी बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज़ वॉट द ट्रेडिशन इज़ ऑल अबाउट। अभी शादी या कोई भी फंक्शन होता है तो उसका सबसे बड़ा एजेंडा यही होता है कि अपने जो लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं, पुराने लोग नए लोग वो कहीं पे भी रहने के लिए हो वो सारे एक साथ आ जाते हैं, एंड इस तरह से उनको किसी और दिन पे टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे फंक्शंस में वो सिर्फ बोलते हैं ना कि कपड़े पहन के तैयार होके घूमना एक अलग होता है, लेकिन ये जो टाइम होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। खाना आना खा के एकदम थक गया, अभी चिल मार रहा है।